फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ये रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई डिज़ाइन अपलोड करूँ, कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप पहले देख पाएँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही इसकी वीडियो अपलोड कर दी थी, पर आज की वीडियो में मैं आपको ये बना के बताने वाली हूँ, तो जिसकी मदद से आप इस तरह का गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएं। तो देखिए, हमने ये सिंपल पट्टी एक बनाई है हमने खुद से, और आपको क्या करना है, आप चाहे तो गेट पर्दा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा पट्टी बना सकते हैं। मैंने छोटी सी पट्टी पे छोटा सा नमूना आपको बना के इस वीडियो में बताया है, जिसकी मदद से आप इस तरह का गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। और दोस्तों, फिर से मैं कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल रेगुलर देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी मुझे सपोर्ट मिले तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए बनाऊँ। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले शुरू में हमने फंदा बना लिया, और पहले घर से हम एक ही जगह से एक फंदा निकाल के बांध लेंगे, दो इसे भी बांध लेंगे, और ये तीन इसे भी बांध लेंगे। अब हमें क्या करना है, दो चैन लेना है। दो चैन लेने के बाद हमें थोड़ी सी दूरी पे दूसरे घर में सेम इसी तरह, जैसे हमने तीन फंदा इसमें लिया था, सेम उसी तरह हम यहाँ भी तीन फंदा लेंगे। तीन फंदा, आप चाहे तो चार फंदा भी ले सकते हैं, पर मैंने इसमें तीन फंदा लिया है। तो इस तरह से हमारा ये दो करके रेडी हो गया। फिर हम दो चैन लेंगे और फिर थोड़ी सी दूरी पे हमें तीन फंदा लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें एक ही जगह से तीन फंदा लेना है, तो इस तरह से हम चार खंड बना लेंगे। आप पांच भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छह भी कर सकते हैं। तो जितना आप यहाँ पे खंड बनाइएगा, उतना मतलब उतना लेयर तक पहला स्टेप सेकेंड स्टेप इस तरह से करके जाएगा। तो मैं इसमें चार लेयर से बता रही हूँ। तो हमारा ये चार खंड अब रेडी हो चुका है, हमें एक ही जगह से तीन तीन फंदा लिया है और बीच में दो दो चैन गैपिंग है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से चार रेडी है, तो अब हमें चैन लेना है, 20 चैन ले लेंगे। तो 20 चैन लेने के बाद देखिए, पहले हम 20 चैन ले लेते हैं, आप चाहे तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 25, लेकिन इतना ध्यान रहना चाहिए कि जितना भी हम चैन ले रहे हैं पूरे गेट में हम उतना ही चैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और 20 चैन जब हमारा हो जाएगा तो उसके बाद हम दो चैन एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि उसमें गुल्ली बनाए। देखिए, इस तरह से हमने चैन लिया। तो अब हमें क्या करना है, एक गुल्ली बनानी है,
एक हम बड़ा सा गुल्ली बनाएंगे, और आप मोटा बनाइएगा इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटा गुल्ली होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह से हम गुल्ली बना लेंगे। और इसे बांध लेंगे। देखिए इस तरह से इसे हम बांध लेंगे। उसके बाद फिर हम दो चेन लेंगे या तीन चेन लेंगे। उसके बाद हमें फिर से एक गुल्ली बनानी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, फिर से एक गुल्ली बनाएंगे। और इसे बांध लेंगे। आप इसे ज़्यादा मोटा बनाइएगा तो और खूबसूरत लगेगा। उसके बाद हमें फिर से 20 चेन ले लेना है। बीस चेन लेने के बाद हमें थोड़ी सी दूरी पे, मतलब आपको देख लेना है आपको कितना खंड बनाना है उस हिसाब से उतनी उतनी दूरी पे हमें इसे ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम 20 चेन, दो गुल्ली और फिर 20 चेन लेके हम इसे कम से कम 7-6 कैपिंग पे हम इसे यहाँ पे देखिए ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी हम सेम चार, मतलब एक ही जगह से 3 फंदा लेंगे। उसके बाद हमें फिर थोड़ी सी दूरी पे 3 फंदा लेना है, 2 चेन लेने के बाद। और उसके बाद देखिए यहाँ दो, तो यहाँ पे हमें 4 फंदा लेना है। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाइएगा। तो देखिए फिर हमें क्या करना है, 20 चेन लेना है, दो गुल्ली बनाना है और हमें फिर 20 चेन लेना है। देखिए इस तरह से हमें 4 खंड बना के फिर इस तरह से हमें सेम बनाना है। तो पहला स्टेप हमें टोटल इसी तरह से बनाना है। आप मान लीजिए आप 8 खंड बनाना चाहते हैं, मैं इसमें 2 खंड पे बनाई हूँ, 2 1 करके घटाते हुए, तो आप पहले 8 बना लें या 10 बना लें, आपके ऊपर है जितनी चौड़ाई हो रही है पट्टी की उस हिसाब से, और तब उसका हम इस तरह से बनाएंगे। तो पहला स्टेप हमारा सेम इसी तरह से जाएगा, सेम उतनी गैपिंग पे हम इस साइड बना लेंगे। तो यहाँ पे भी हम एक ही जगह से 3 फंदा लेंगे, फिर 2 चैन। तो सेम इसी तरह से हम यहाँ भी अब बनाएंगे। देखिए तो देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है, हमने 2 खंड इसमें बनाया है। और सेम इसी तरह से हम बनाएंगे गेट पट्टी। तो जितनी बड़ी पट्टी होगी उतना पहला स्टेप सेम इसी तरह जाएगा। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2-3 चैन ले लेना है और बीच की गैपिंग में हमें इसे बांध लेना है। और फिर हम इस गैपिंग के अंदर से 3 फंदा लेंगे।
और उसे बांध लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे घटेगा, चार खंड है तो फिर तीन खंड, दो एक, इस तरह से ये घटेगा। तो अभी हमारा ये तीन खंड बनेगा। अब यहाँ हमें क्या करना है, 20 चैन ले लेना है और एक गुल्ली बनाना है। दो चैन एक्स्ट्रा लेंगे जिस पे वो गुल्ली में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें 20 चैन लेना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, गुल्ली बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम गुल्ली बनाने के बाद, जो हमने फर्स्ट स्टेप में दो गुल्ली बनाया था उसके बीच से हमें तीन फंदा निकालना है जो यहाँ इस तरह से जॉइंट होगा, देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, फिर से एक गुल्ली बनानी है। अब हम फिर से यहाँ हम 20 चैन लेंगे। अब हम फिर 20 चैन लेंगे। अब हमें 20 चैन लेने के बाद देखिए यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो ये कैपिंग है, इस कैपिंग से हमें तीन फंदा निकालना है। मतलब हम यहाँ अब हमारा तीन खंड बनेगा, दो चैन लेना है। तो इसी तरह से सेम हम सेकेंड स्टेप करेंगे। और थर्ड स्टेप में हमें इसमें क्या करना है, तीन खंड है तो दो खंड बनेगा, और फिर इसमें जो गुल्ली के साइड साइड से दो खंड निकलेगा। तो आप इसे देखिए और समझिए, सेम इसी स्टेप्स को रिपीट करके आप ऐसा गेट पर्दा डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं कम घर पे बता रही हूँ, आप ज़्यादा घर बनाएंगे, ज़्यादा खंड बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो देखिए आप, ये देखिए इस तरह से जो हमने बीच में यहाँ पे एक खंड बनाया, सेम उसी तरह से हमें इधर भी बना लेना है। ये बन चुका है देखिए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 20 चैन लेके फिर एक गुल्ली और एक घर बनाना है। तो सेम इसी तरह से हम इस साइड बना लेंगे। तो देखिए यहाँ इस साइड हमने बना लिया है। अब ये जो स्टेप होगा, अगला स्टेप हमारा होगा, इसमें हमें खंड से दो घर लेना है। और देखिए यहाँ पे चार है, तीन है, तो यही घटते क्रम में जाएगा। तो आप देखिए,
तो देखिए इस तरह से ये बना है, तो आपको गेट पर्दा में जितना खंड बनाना हो इस तरह से आप 10 खंड एक साथ, पहला लेयर कंप्लीट हो जाएगा 5वें तक। तो आपने इसमें देखा है नीचे जो घट रहा था 4 3 2 1, और इसमें घर बढ़ा है 1 2 3। तो अब हमें इसमें क्या बनाना है, 4 घर बनाना है, और 4 घर बनने के बाद तब इसमें हमारा ये क्या है घटेगा। तो यहाँ पे हम साइड वाले से 3 फंदा ले ले रहे हैं, और फिर हम 2 चैन लेंगे और फिर साइड वाले से लेंगे। उसके बाद हमें फिर से 2 चैन लेना है, तो यहाँ हमें 4 बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 चैन लेंगे और फिर इस साइड में हमें बनाएंगे। तो ये हमारा 4 खंड बन चुका है, बर्फी में जो बन रहा है वो। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, नया घर बनाना है, तो इसके लिए हमें 20 चैन लेना होगा और 2 गुल्ली, और हमने फिर 20 चैन लिया है। और उसके बाद हमें दूसरे घर में यहाँ पे 4 खंड बनाना है। देखिए बहुत ही इजी है, साइड में ये घटते क्रम में जाएगा, 4 3 2 1 ऐसे करके साइड में आएगा और इस घर में घर बढ़ता हुआ जाएगा। तो आप देखिए
देखिए इस तरह से हमने बनाया था, तीन इस तरह से दो बना और फिर हमें ये घटाते घटते क्रम में लिया है और ये हमारा इस तरह से एक और भी तैयार हो गया, 4 3 2 1 और ऊपर से 1 2 3। तो इस तरह से हमारा एक भी तैयार हुआ, छोटा सा भी तैयार हुआ, पर आप अगर ज़्यादा घर बनाएंगे तो बड़ा सा भी तैयार होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। मैंने एक एक स्टेप आपको इसमें बताया है, जैसे कि आप इस गेट को देख सकते हैं, इसमें जितना खंड बना हुआ है आप उतना खंड बना लेंगे और साइड में लड़ी भी गिरा लेना है हमें गुच्छे की तरीके से। फिर इसमें हमें फ्लावर्स भी ऐड करने हैं, तो आप इसे जितना खुद से खूबसूरत बनाना चाहे बना सकती हैं। मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया, सेम उसी स्टेप्स के साथ इस गेट पर्दा डिज़ाइन को आप आसानी से बना सकते हैं, फुल गेट पर्दा डिज़ाइन। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।